हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का एक अनदर न्यू गेम वीडियो में। तो गाइस, काफ़ी मतलब बहुत दिन हो गए मैंने वीडियो नहीं डाली, तो इसलिए सॉरी। मतलब सॉरी तो नहीं कह सकता, क्योंकि क्या हुआ था, मैंने एक गेम प्ले वीडियो डाली थी अपनी कार फॉर सेल सिमुलेटर पर क्या हुआ पता नहीं, वो अपलोड ही नहीं हो पा रही है और वो जा ही नहीं रही है। कुछ तो इश्यू हो गया, और मतलब मैंने जो वो वीडियो तो डाल दी थी पर वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो चुकी है। मतलब उसे 2 दिन हो गए पर वो आ ही नहीं रही, कहाँ गायब हो गई है कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए सॉरी गाइस। तो आप न्यू गेम, मतलब मैंने आई थिंक 2 और 3 कार मैंने ली भी थी और उसे सेल भी किया था पर मैं आपको दिखा नहीं पा रहा, सॉरी गाइस। मतलब मेरा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैंने लिटरली गाइस मैंने वो वीडियो अपलोड की थी, अपलोड भी हो चुकी थी पर वो आ ही नहीं रही है और ऑटोमेटिकली डिलीट भी हो गई। तो गाइस सच में सॉरी गाइस, मतलब क्या करूँ, पर कुछ रहने दो। तो आज मैं जो गेम खेलने जा रहा हूँ उसका नाम आप देख ही सकते हो। तो गाइस ये गेम मतलब गेम भी कह सकते हैं, नहीं भी कह सकते हैं, आपको जो मर्जी है वो कहे। काफ़ी लोगों को ये गेम बताई मतलब बताओगे इस गेम के बारे में। मतलब ये गेम हमारी माइंड को रीड कर सकती है। मतलब यहाँ पर कुछ तो एक ऑब्जेक्टिव होते हैं 4 5, वो हमें सिलेक्ट करने होते हैं और हमारे मन में जो चीज़ होती है उसका विचार करना होता है, और इस जो क्वेश्चन पूछेगा उसके सही सही आंसर देने होते हैं। अगर वो सही आंसर दिए तो जो हमारे मन में चल रहा है वो ये गेस करेगा। काफ़ी मतलब ये गेम अभी नई नई आई है, काफ़ी लोगों को ये बताया भी होगा, जिनको नहीं पता तो वो देख लेना। तो चलो शुरू करते हैं। तो थिंक अबाउट एन ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट। अच्छा, तो मैंने थीम सिलेक्ट कर ली थी, मतलब मैं पहले टाइम ही खेल रहा हूँ, मैंने इसकी थोड़ी फॉर इंफॉर्मेशन लिखा ली थी, तो देखते हैं। अच्छा, तो ये 4 1 2 3 4 4 ऑब्जेक्ट है, तो हम अभी 4 को ट्राई करने वाले हैं और ये कोई भी चीटिंग नहीं होने वाली है गाइस। मैं पहले ही आपको एक कैरेक्टर का नाम बता देता हूँ, मतलब आप समझ पाओगे, वरना आपको लगेगा कि मैंने यही कैरेक्टर चाहिए और मतलब चीटिंग हो सकती है अगर आपको लगेगा। तो पहले कैरेक्टर थीम सिलेक्ट करते हैं, और अभी मैं बता देता हूँ कि मेरे कैरेक्टर का नाम है एलिविश यादव। तो चलो ये आई थिंक गेस कर पाएगा और नहीं इसको बता देते हैं। तो थिंक अबाउट अ रियल फिक्शनल कैरेक्टर, चैलेंज भी, आई विल रीड योर माइंड। ओके, तो चलो अभी इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसे स्टार्ट हो गया, ये क्या आ गया। तो अच्छा, प्ले करता हूँ, देखते हैं। अच्छा, तो प्ले हो गया। डज द कैरेक्टर रियली एग्जिस्ट। तो हमें 1 2 3 4 5 ऑप्शन है। पहला है प्रोबेबली, दूसरा है प्रोबेबली नॉट, तीसरा है येस डोंट नो, और पांचवा है नो। तो हमारा कैरेक्टर रियल है तो येस कहते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इज यूवर कैरेक्टर अ फेमस यूट्यूबर। ओ भाई सही गेस कर लिया, येस, देखते हैं येस। डज द योर कैरेक्टर लिव इन अमेरिका। नहीं, मेरा कैरेक्टर अमेरिका में नहीं रहता है, तो मतलब आपको मैंने बताया वो मेरे कैरेक्टर का नाम एलिविश यादव है, तो ये गेस कर पाएगा और नहीं इसे देख लेते हैं। इज योर कैरेक्टर अ गेमर। नो, मेरा कैरेक्टर तो गेमर नहीं है। इज योर कैरेक्टर अ गर्ल। नो, कैरेक्टर गर्ल भी नहीं है। डज योर कैरेक्टर हैव अ ब्रदर हु इज अ यूट्यूबर। नहीं भाई, एलिविश यादव का कुछ तो ब्रदर तो नहीं है, तो इसे भी नो कर लेते हैं। इज योअर कैरेक्टर यूज फॉर अ टेस्ट एक्सपेरिमेंट। नो, एक्सपेरिमेंट तो नहीं करता। डज योअर कैरेक्टर यूज अ पिस्तौल। यार वैसे तो वो पिस्तौल तो नहीं यूज़ करता है, पर वीडियो में मतलब काफ़ी वीडियो में उस मतलब एलिविश यादव के काफ़ी वीडियो में पिस्तौल देखा गया है, तो यस कर लेते हैं। ओ, इज योअर कैरेक्टर एसोसिएटेड विद सिस्टर। ओ भाई इसने तो सही गेस कर लिया, यस यस यस। ओ भाई आ गया, आई थिंक ऑफ भाई सही में गेस किया भाई, मुझे मतलब कुछ मैंने चीटिंग नहीं की थी, मैंने जो इस मतलब जो आंसर थे क्वेश्चन थे उनके सही आंसर दिए और सच में वो जीत गया भाई।
तो चलो ये भी हो गया है, और ये कुछ भी मैंने चीटिंग नहीं किया है गाइस, प्रॉमिस। तो ये क्या है, आई हैव ऑलरेडी गॉट द अखे अवार्ड ऑफ दिस कैरेक्टर। अबे यार ये क्या है, स्नैपचैट ओके पर करते निजी हैं। अरे यार स्टोरीज के ये साथ ऐड आप कब चुन सकते हैं कि जाएंगे? आप अपने मजाकिया पल। तो फाइनली गाइज अभी ऐड खत्म हो चुके हैं, तो अभी नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट कौन सा था, आई थिंक सो ऑब्जेक्ट था। इसकी म्यूजिक देखो अभी चालू हो चुकी है, पहली बार तो नहीं चालू हुई थी। देखो कैसी सी अलग अलग है। तो सिलेक्ट थीम और कैरेक्टर ऑब्जेक्ट। तो अभी मैं बता देता हूँ, मैं ऑब्जेक्ट है क्या रखूँ, हाँ साइकिल, मेरा ऑब्जेक्ट है साइकिल। तो आई थिंक ये गेस कर पाएगा नहीं, तो देखते हैं। थिंक अबाउट एन ऑब्जेक्ट और अ कॉन्सेप्ट, चलिए आई विल रीड इट। ओके चलो तो प्ले करते हैं। मैंने साइकिल लिखा है। इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक, नो साइकिल तो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। कैन बी इजिली ऑब्टेन इट बाय बाइंग इट इजिली, हाँ वैसे तो इजिली है, सस्ती है। कैन इट ओपन और क्लोज, नहीं, वो क्या कार थोड़ी ना है, नो। देख लेते हैं। अच्छा डज इट गो इन टू द माउथ, नहीं भाई ये थोड़ी खाना थोड़ी है ना है, नो। इट इज अ सॉफ्ट, नहीं भाई सॉफ्ट तो नहीं है साइकिल। इट इज बिगर देन अ फुट, भाई बहुत बहुत, यस। इट इज मेड ऑफ ऑफ वुड, नहीं भाई वुडन। इट इज मेड अप ऑफ मेटल, यस मेटल की होती है। डज इट हैव व्हील्स, यस। डज इट वर्क विथ फील, नो। डज इट हैव अ सीट, यस। डज इट कम फ्रॉम जर्मनी, नो। डज इट हैव अ रिलेशन विथ लाइक विथ साइकिलिंग, यस। कैन इट रन फास्ट, यस साइकिल कैन रन इट फास्ट। इट इज यूज फॉर स्कूल बॉयज, यस। डो मैकॉन पीपल यूज इट अ लॉट, डोंट नो, ये तो नहीं पता। डज हेलन मेलकिन हैव वन, डोंट नो। डिड इट एग्जिस्ट इन 1945, भाई नहीं पता यार मेरे को, तो नहीं पता साइकिल 19 कितनी में है। सो डोंट नो। डज इट कम फ्रॉम एब्राहम, नो, इतना तो पता है। देखते हैं ये गेस कर पाएगा नहीं साइकिल को। डज इट हेल्प बियर विद द वेट ऑफ द बॉडी, नो भाई ऐसा तो नहीं होता। डज इट हैव अ फ्रॉक, नहीं बाबा ये नो। इट इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, नो। कैन यू ट्रिक विथ इट, कैन यू ट्रिक, नो। डज इट ऑर्गेनिक फ्रॉम इंडिया, यस इंडिया में तो। डज इट यूज फ्यूल टू रन, नो। इट अ वाइटल क्वांटिटी ऑफ एन एडवेंचर, यस यस एडवेंचर में जस्ट यूज होते, आई थिंक ये गेस कर लेगा। ओ भाई माउंटेन बाइक, मतलब हाँ था तो मैंने माउंटेन को वो एडवेंचर वाला जो सही दिया था, इसलिए ये गेस किया। वैसे सही है, साइकिल वहाँ पर भी यूज होती है और ये माउंटेन बाइक मतलब साइकिल। यहाँ पर पिक्चर छोटी सी आप देख सकते हो, तो ये भी करेक्ट है, इसे भी 100 पॉइंट दे देते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लोडिंग हो रहा है। यू वे जस्ट फाउंड इट अ स्टैंडर्ड आईकिया और यू गेट 10 ज़ेड, क्या है मेरे को, मेरे को देखना है कि ये ऐप काम का है। और फिर से ऐड चालू हो चुकी है। आप नेक्स्ट देख लेते हैं, ऑब्जेक्ट के बारे में अब बात क्या आता है। तो गाइस कुछ चीटिंग नहीं हो रही है, अगर आपको लग रहा होगा तो, मतलब कुछ चीटिंग नहीं हो रही है। तो देख लेते हैं, मैंने अब सिलेक्ट किया था मूवी और टीवी शोज, तो इसे देख लेते हैं। अभी मैं पहले आपको बता देता हूँ मूवी कुछ कौन सी कौन सी, हाँ आर आर आर, नहीं नहीं आर आर नहीं, पुष्पा पुष्पा रख लेते हैं, देखते हैं एक गेस कर पाएगा या नहीं। पुष्पा पुष्पा, तो अगर ये सही निकला तो भाई बहुत अच्छा होगा। व्हाट इज द मूवी और टीवी शो फिल्म इन इंडिया, हाँ वैसे तो वो इंडिया में हुआ था, तो यस कर लेते हैं। तो देख लेते हैं, इट इज अ मूवी और टीवी शो विद अ लॉट ऑफ फाइट सीन्स,
यस फाइट तो बहुत है, मतलब मैंने देखी नहीं ये, पर पता है। डज योर मूवी और टीवी शो हैव कैरेक्टर्स विद सुपर पावर्स? नो भाई, इतना तो पता है। वॉज दिस मूवी और टीवी शो फिल्म इन साउथ इंडिया? हाँ यार साउथ, यार मतलब मैंने कभी नहीं देखी मूवी पुष्पा। आई थिंक यस साउथ इंडिया, लगता है ये गलत होने वाला है। डज यश प्ले रोल इन द मूवी और टीवी शो? नहीं भाई, इतना बताए कि आलू अर्जुन और रश। हाँ, डज आलू अर्जुन प्ले अ रोल इन दिस मूवी और टीवी शो? यस। डज चार्कलोट लेबेन प्ले इन योर मूवी और टीवी शो? आई डोंट नो, अबे यार ये तो नहीं पता मेरे को। डज कारमल हसन प्ले इन? अबे यार ये भी नहीं पता, डोंट नो। आई थिंक ये गलत होने वाला है। टूरटिको, हाँ पेडम नगर पुष्पा। भाई यार ये कैसा मूवी है? अच्छा तो इसने गेस तो सही कर लिया है, पर आई थिंक वो मैंने जो दो गलत आंसर दिए थे ना इसकी वजह से। पर ये पुष्पा जो मैंने आपको पहले बताया था ये तो उसने सही गेस किया है। यहाँ पर देख सकते हो पुष्पा आ भी रहा है, लेकिन ये जो है ना मतलब आई थिंक वो रियल नाम है जी इस मूवी का, ये वही दिखा रहा है। तो ये देख सकते हो यहाँ पर लिखा भी है 1989, मतलब वो मैंने गेस तो किया है, उसने गेस तो किया है पुष्पा, पर वो क्या बोलते उसे, तो इसे करेक्ट ही देते हैं और उसे नेक्स्ट ट्राई कर लेते हैं। ओम जाकर, अभी यार ये ऐड कब खत्म होने वाली है? फाइनली गाइस इसने भी ये मतलब सही गेस कर लिया है, मेरी दो तीन गलतियों की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया। तो अब इसे नेक्स्ट देखेंगे एनिमल, तो एनिमल को थोड़ी हार्ड रख लेते हैं। एनिमल हम सारे को टर्टल टर्टल रख लेते हैं, मैं ये तो बस फर्क कर पाएगा सी से। जंगल में कोई है एनिमल तो ये फर्क भी बेस कर पाएगा। ऐसा कुछ तो एनिमल, ऐसा कुछ तो एनिमल चाहिए जिसके बारे में मुझे पता हो। तो बियर रख लेते हैं, बियर यार। नहीं एनिमल बियर नहीं यार, कोई स्नेक, हाँ स्नेक रख लेते हैं। स्नेक 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 कुछ जरा अलग होगा, तो स्नेक रख लिया है मैंने भाई ने। देखते अगर ये सच में गेस कर पाएगा तो सच में, तो चलो आ गया। इज योर एनिमल पेट? यार प्रोबेबली इसे कुछ लोग तो पेट भी रख लेते, प्रोबेबली रख भी लेते। डज योर एनिमल बार्क? अच्छा बार बार बचा जो मैंने कुत्ते मतलब दिया था तो प्रॉब्लम है। डज योर एनिमल ले एग? हाँ ये, हाँ यस सात का अंडे देते हैं। डज योर एनिमल हैव अ विंग्स? नो। हैज योर एनिमल लॉट फोर लेग्स? नो। हैज योर एनिमल गॉट लेग? नो। तो सब मतलब पैर ही नहीं होते ना सब को। हैज योर एनिमल गॉट फाइंस? नो। कैन योर एनिमल बी फाउंड इन अ पेट स्टोर? नो। डज योर एनिमल प्लीज मतलब यार डोंट नो कर लेते हैं। डज योर एनिमल गॉट फूड्स? यस। डज योर एनिमल हैव होप्स? होप्स होप्स नो। Does your animal a reptile? हाँ यस यस। Is your animal herbivorous? भाई मैंने गलत किया। Does your animal still exist? Yes, सच में है। Is your animal original from South America? No, ऐसा तो कुछ नहीं है। Is your animal poisonous? Yes, poisonous. Does your animal have a rattle? Yes. Does your animal know intention? Both no. ये तो हम कैसे बता सकते हैं। Is your animal native in South America? Don't know. Does your animal associate with a scale action? Don't know. Does your animal live in a South Indian hemisphere? Don't know. Is your animal from Asian region? हाँ यहाँ पर भी साफ होते हैं पर yes yes I think वो गलत नहीं है। Does your animal native in a South Korea? We have don't know यार, हर जगह पर होते हैं साफ। Is your animal native in a Cuba?
डोंट नो, आई थिंक इट इज स्नेक। ओ भाई इसने तो सही गेस कर लिया। मतलब मुझे क्या लग रहा था, कुछ कुछ मुझे मतलब अर्थ समझ में आ रहे थे, इसलिए मैंने डोंट नो ऐसा कुछ तो भी किया था। पर इसके तो भाई सच में मतलब सच में इसका आंसर बताए, इसे तो मानना पड़ेगा। फिर से ऐड मतलब भाई ये है, मतलब ये जो गेम और ये ऐप कर सकते हो ना, ये बहुत काम का है, क्योंकि सच में ये मतलब मैंने कुछ चीटिंग नहीं किया। अगर आपको ऐसा झूठ लग रहा है ना, तो मैं मतलब वीडियो के नीचे जो पता है ना, उसमें लिंक दूंगा, आप इसको जरूर ट्राई करना और देख लेना, आपको भी ये सही गेस कर पाएगा। मतलब मुझे कल या परसों इस ऐप के बारे में पता चला यूट्यूब पर, तो इसलिए मैंने ऐप को डाउनलोड किया। तो भाई इसमें तो मतलब दिल जीत लिया, तो मज़ा आ गया। पर गाइस वंस अगेन सॉरी इतनी लेट वीडियो आने पर, क्योंकि वो प्रॉब्लम हो गई थी, इश्यू वीडियो अपलोड नहीं हो रही थी। आप देखते हैं अगर ये वीडियो अपलोड हो गई तो आप कि आप पर हो जाएगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना। बस आज इतना ही, नेक्स्ट वाली वीडियो में एक अनदर ग्रेट गेम ट्राई करेंगे। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय।